आम नागरिकों और सरकार के लिए भी फायदेमंद माना जाने वाला जीएसटी बिल आज राज्यसभा में पेश हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे सदन के सामने रखा। जेटली ने जीएसटी को बीते एक दशक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार करार दिया। जेटली ने बताया कि जीएसटी से भारत एक समान मार्केट में बदल जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि राज्यसभा ने जीएसटी बिल को सिलेक्ट कमेटी को सौंपा था। जेटली ने कहा कि ज्यादातर दलों में इस बिल को लेकर सहमति बन गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा। जेटली ने कहा कि वे सभी पार्टियों के आभारी हैं। इतना ही नहीं, जेटली ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का भी शुक्रिया अदा किया। तो 6 संशोधनों के साथ राज्यसभा में बिल पेश। राज्यसभा में जीएसटी बिल पर हो रही चर्चा। तो राज्यसभा में जीएसटी बिल पर हो रही चर्चा, लेकिन अब इसके कहीं ना कहीं जो फंसा हुआ है, अब कहीं ना कहीं पास होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो अभी तक अपने अपने तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स वसूलते थे, वसूला जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जीएसटी बिल के आने पर, जीएसटी लागू होने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो इनडायरेक्ट टैक्स अब खत्म हो जाएगा अगर ये लागू हो जाता है। टैक्स 30 से 35 फीसदी से घटकर 17 से 18 फीसदी हो जाएगा। तो क्या है जीएसटी, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें। एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स और लग्जरी टैक्स फिलहाल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ सेल्स टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये है जीएसटी। 16 साल पहले वाजपेयी सरकार ने इसका अलग ही प्रस्ताव रखा था, पूरी एक रूपरेखा तैयार की थी। तो कांग्रेस सरकार ने भी इसे पास कराने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार कुछ बातों पर हालांकि आपत्ति थी। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस बीच ये भी कहा था कि वो खुली बहस के लिए तैयार हैं। तो जीएसटी से क्या होगा, महंगा चाय, कॉफी, मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, ज्वेलरी और कपड़ा महंगा हो जाएगा। साथ ही डिब्बा बंद फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी बढ़ोतरी आएगी। रेस्टोरेंट में खाना खाना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मसलन एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, मशीनरी सामान और माल ढुलाई भी महंगी होगी। तो संसद के दोनों सदनों की मुहर लगने के बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए होगी। इसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, जिससे ये कानून बनेगा। तो कानून बनने में अभी बस थोड़ी सी अभी पेचीदगियां हैं, लेकिन अब राज्यसभा में पास होने के बाद फिलहाल सारी की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो बहुमत का आंकड़ा है, वहां पर अब सरकार को दिक्कत नहीं आने वाली। ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जीएसटी के नियम बनाए जाएंगे, जिनका काम चल रहा है। फिलहाल राज्यों के बीच कारोबार पर 1% अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा। मूल विधेयक राज्यों के बीच व्यापार का समझौता बढ़ेगा। जीएसटी से नुकसान होने पर अब 5 साल तक 100% मुआवजा मिलेगा। ये भी बड़ी बात है। विवाद सुलझाने के लिए नई व्यवस्था की गई, जिसमें राज्यों की आवाज बुलंद होगी, और पहले विवाद सुलझाने की व्यवस्था मतदान पर आधारित थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें बदलाव किया गया है। विधेयक में जीएसटी के मूल सिद्धांत को परिभाषित करने वाला एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि नियम को और आसान बनाया जा सके। तो जीएसटी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं।